मेरा पेपर था, मेरा एक बहुत बड़ा पीजी था, हॉस्टल मान लो पीजी, मैं मेरे सीडीएस वाले मतलब मेरे सीनियर्स और मैं खुद और हमारे इंडिया वाले सब लोग रहते थे। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय पर दिसंबर तक पूरा पीजी भरा हुआ था, पूरा हॉस्टल, इतनी भीड़ थी उसमें कि सब लोग हर दूसरे के एक दूसरे के कमरे में बैठे हुए पढ़ते रहते थे। और अगर देखो मेरे को इसकी कसम है, अगर मैं 1% भी झूठ बोलू ना तो भगवान मेरा नाश हो जाए, बस मैं ये बोलूंगा। ये विद्या मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सच क्यों, मैंने ये कसम क्यों खाई, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर किसी को लगता है ना, जिंदगी में मेहनत हर किसी ने की है, और मैंने अपनी अगर कभी लाइफ स्ट्रगल खोल दिया ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि दिसंबर में सब लोग मेहनत कर रहे थे, सब लोग पढ़ रहे थे। जैसे जनवरी आई, फरवरी आई, जैसे जैसे नजदीक आया भाई साहब, रूम के रूम खाली हो गए, एक एक कमरे में एक एक बंदा। और एक महीने पहले की बात बता रहा हूं, एक महीने पहले ऐसा हुआ कि पूरा पीजी भूत बंगला बन गया, पूरा हॉस्टल भूत बंगला हो गया, और किसी कमरे में मुश्किल से कोई लड़का नजर आया। रेयरली मैं इतना रोया भाई साहब, मैं मतलब अकेला रूम में, अपना तो छोड़ो आसपास के रूम में देखा कोई भी नहीं भाई साहब, सब छोड़ जाने, एक दो से रिक्वेस्ट करी कि भाई तू ही रुक जा। अच्छा मैं क्यों नहीं जा सकता था, मेरे साथ समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं खुद घर से लड़े हुए बैठा था, क्योंकि मेरी लग गई थी क्या? ये देखो पहले जरा, यहां पर वॉर की जगह क्या आएगा, वॉज। क्यों? क्योंकि फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब मेरे साथ क्या था समस्या, मेरे साथ समस्या ये थी कि घर वालों से मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में जॉब लग गई थी और मैं मर्चेंट नेवी छोड़े बैठा था, तो मैंने एनडी के चक्कर में मर्चेंट नेवी का छोड़ दिया कि मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। तो बात तो समझ रहे हो ना, बात कितनी खतरनाक हो गई, क्योंकि मेरे को था एनडीए से मोहब्बत। अब बिलीव नहीं करोगे, उस समय मेरे लिए अगर मुझे भगवान सब कुछ दे देना और एक तरफ एनडीए, तो मुझे बस उसी से प्यार था। अब मैं इतना डरा हुआ था यार, पूरे हॉस्ट कोई नहीं रहता था, रात को ऐसी ऐसी आवाजें आती थी भाई साहब, इतना डर लगता था। लेकिन एक ही बात थी कि बस जाना है तो वहीं जाना है। मेरे रूम में मैं बताऊं, एक दो लड़के रहते थे उस समय, वो बीटेक करते, बीटेक वाले थे, और वो वैसे कॉम्पिटिशन वाले तो थे नहीं, और वो भाई साहब सिगरेट चल रही है पूरी, सिगरेट फूकते जा रहे हैं। तो लेकिन मुझे, मैं उनके पास जाके बैठता था, हालांकि थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अपन धड़कने, समझ रहे हो ना, अकेला इंसान तो वैसे पागल हो जाता है, मेरी धड़कने तेज होने लगी। जब साथ में रहते थे तो टाइम बीत जाता था, लेकिन अकेला इंसान पढ़ पढ़ के पागल हो गया भाई, मैं इतना ज्यादा पागल हो गया, पढ़ने के बाद क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक महीना तो मैंने सोचा कि भाई तू भी चल यहां से, कुछ नहीं हो सकता, ये टाइम बीत नहीं सकता, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने उस समय पर बीपी की भी गोलियां खाई, और ये बात मेरे फादर को उस समय पता थी, पता चल गई थी, जबकि इस बात पे बहुत ज्यादा नाराजगी हुई कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैं करूं तो करूं क्या, समय नहीं कट रहा बिल्कुल, इतना डर, और सामने ऐसा लगता था कि पेपर नहीं निकलेगा। बट मुझे एक ही बात उस समय समझ में आती थी कि अगर तू आज ये छोड़ के चला गया, तूने ये छोड़ दिया, तो भाई साहब जिंदगी कभी मौका नहीं देगी वापस, और नौकरी तू कभी भी कर सकता है, क्योंकि देखिए जब मर्चेंट नेवी मैंने निकाल लिया था तो मेरे को पता था कि तू नौकरी कभी भी कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये गोल बैठा है ना आज, ये एनडीए सामने, वो खड़गवासला का सपना, वो एनडीए स्पेशल ट्रेन, वो मेरे यहां ऐसे दिल दिमाग में छाया हुआ था। और जब भी मैं घर पैक पैक कर लिया, एक दो बार मैंने किया भी, जैसी मैं बैक पैक करके निकलने की कोशिश करता था, मेरा मन वापस, मैं फिर बैठ के रोता था, नहीं यार तू ऐसा नहीं कर सकता, फिर अपने आप को समझाता, लेकिन अकेला इंसान खुद ही जंग लड़ रहा था। और भाई साहब ऐसा हुआ, मैं एनडीए के अप्रैल के एग्जाम में गया, मेरा वो फर्स्ट एनडीए का अटेम्प्ट था, मुझे आज भी याद है, पहला पेपर मैथ्स का देने बैठा, पसीने छूट गए मेरे, क्योंकि मेरा पहले उस समय मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था, मेरे से कुल 30 क्वेश्चन के समथिंग आसपास हो पाए। और उस समय में प्राचीन काल की बात है, जब मेरिट बहुत कम जाया करती थी, 30 क्वेश्चन, मैंने कहा भाई तेरा तो गया, तू तो यहां से चला गया, मैंने कहा इतनी मेहनत करी, तेरा तो पहला ही पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में,
फिर मेरा एक दोस्त वहीं पे मुझे मिला, विश्वेंद्र कटारिया, ही इज मेजर राइट नाउ फ्रॉम कानपुर, इंडियन आर्मी में मेजर है आज वो। वो मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ मिला, उसने कहा रे संजीव व्हाट हैपन, अच्छा वो हिंदी में बोलता था तो, और हिंदी आप समझ रहे हो कानपुर वो बिल्कुल प्योर वाली, जो लड़ाई में गाली में भी प्यार से बात करे कि हम जूता मार देंगे तुम्हारे, इस टाइप से, मतलब बहुत प्यार में बोलता था। उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा यार सब बर्बाद हो गया। बोला कोई बात नहीं है, अभी धैर्य रख, अभी दूसरा पेपर बाकी है। और मेरे से बिलीव नहीं हो रहा, मेरे हाथों में पसीने में बहुत ज्यादा परेशान, मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं खुद ही मन में रो रहा हूं कि यार ये क्या हो गया, और तूने तो इतनी मेहनत, तेरे से अच्छे तो वो लोग थे जो छोड़ के चले गए थे। एक एक रात कैसे काटी, कैसे करके मैं वापस आया, पेपर देने बैठा, हाथों में पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा, पेपर देना स्टार्ट किया, पता नहीं मेरे को उस समय क्या हुआ। और इसी को कहते हैं कि भगवान भी तभी साथ देता है जब आप लड़ रहे होते हो। पेपर देना स्टार्ट किया भाई, मुझे पता ही नहीं चला, जैसे ही पेपर खत्म हुआ मैंने सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस चेक किए और उसके बाद जीएस के क्वेश्चन। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 70 प्लस क्वेश्चंस मेरे सही थे, 70 से भी 80 के आसपास समथिंग सही जा रहे थे। मैंने कहा भाई अब शायद चांस हो सकता है, बट बात जो थी ऐसे थी। और जैसे रिजल्ट आया ना, जितनी भी भीड़ वहां पर थी, सिर्फ 2 से 3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। उस दिन में जब कैफे से, हमारे टाइम पे ना कैफे में आधे घंटे का पैसे देके चलते, समझ रहे हो ना, तुम तो आजकल देख लेते हो, हम तो पैसे लेके जाते थे और कैफे वाले से भैया जरा रिजल्ट दिखा देना जरा, इतना एक्साइटमेंट रहता था। और जैसे कैफे वाले ने कहा यस तुम्हारा नाम यहां पे, ओ भाई साहब वो खुशी, यू कांट इमेजिन दैट। तब मैंने वो दिन मेरी लाइफ का ऐसा दिन था जिसने मुझे ये कह दिया था कि भाई साहब जिंदगी के लड़ने का तरीका ही कुछ और है। तो उस दिन ये बात समझ में आ चुकी थी कि भागने वाले भागेंगे, लेकिन जो इस मुसीबत में भी रुक गया वही जीत हासिल करेगा। उस खुशी को मैं उस दिन बयां कर रहा था, उस दिन मैं सोच रहा था कि यार सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि तू भी अगर भाग जाता तो आज ये खुशी कैसे मिलती, आज ये पेपर कैसे क्रैक होता। और सारे जितने भी, बस मेरे एक दोस्त विश्वेंद्र कटारिया ने क्लियर किया था मेरे साथ, और एक दो दोस्त और, एक और था बस, हम 3 से 4 लोगों ने क्लियर किया, बाकी सब बाहर हो गए थे। तो आप माता पिता के लिए करते हो अच्छी बात है, अरे अपना भी तो जमीर होता है यार, कुछ अपना जमीर भी तो कुछ कोई चीज होती है। मेरा जमीर बार बार उस समय मुझे यही कह रहा था कि बेटा अगर तू आज चला गया ना तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। तो अपने लिए अपना यहां से कुछ सोचो, तुम बने हो ना किस चीज के लिए। भाई मेरे को ना एक बात पता थी कि अगर तू एनडीए में गया एनी हाउ तो ठीक है, उसके बाद चाहे कुछ भी मिल जाए, यू तो फिर सब इंस्पेक्टर छोड़ा, पता नहीं क्या कितनी जॉब छोड़ी, लेकिन कभी मजा नहीं आया उस बात में जो वहां स्पेशल फीलिंग थी। और मेरे को आज भी इस बात का गम नहीं है कि मैं एनडीए में क्यों नहीं जा पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। क्यों, कारण पूछो क्यों, बिकॉज आई गेव माय 1000%। आज भी मेरे को लगता है कि भले ही नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1000% मैंने दिया, और कैसी स्थिति में दिया ये मैं ही जानता था। कभी कभी बैठ के थोड़ा सा लगता है कि यार कभी हो जाता, लेकिन फिर दिल में आता है कोई बात नहीं, तूने अपना 100%, तो अपना 1000% दो, सिलेक्शन होना ना होना मायने नहीं रखता, दैट इज सेकेंडरी। और फिर एक बार याद कर लेना, हजारों लाखों लोग सो रहे होंगे जब तुम जाग रहे होंगे। उस समय मैं भी यही सोचता था कि यार मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, इतनी सर्दी में इतनी ठंड में यहां बैठा हुआ हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं। तो इस चीज को अपने दिमाग में रख लो, लेकिन गोल लक्ष्य भी बड़ी बात होती है जिंदगी में। कुछ तो मेमोरिया याद रखोगे ना, आज भी मेरे वो मेमोरी याद रहती है, अरे कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी लोग आज आर्मी में है ना, जितने भी लोग आज फौज में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, मैं जॉब छोड़ के बैठा हूं कोई बात नहीं है, लेकिन दे ऑल रेस्पेक्ट मी। भले ही आज मेरे सीनियर्स मेजर हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो या कर्नल हो, बट दे रेस्पेक्ट मी। और सबसे ज्यादा वो आज मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, जब भी मिलने आते हैं वो रेस्पेक्ट, क्यों, बिकॉज आई गेव माय 1000% और एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट। सो गाइस एक ही बात मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अपना जिंदगी में कुछ एक ड्रीम पालो, उस ड्रीम के लिए मेहनत करो। अगर वो ड्रीम पाल लिया ना तो आपको सोने नहीं देगा, मैं आपको सही बता रहा हूं।